दोस्तों कैसे हैं। आज का ये वीडियो दुनिया का सबसे छोटा वीडियो होगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटी वीडियो में दिया जा रहा है। इसको एक बार आप देख करके अपने एग्जाम में नंबर को सिक्योर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन है, हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कब, कहाँ, कैसे, कैसा होता है। ये क्वेश्चन आप इसमें आप देखेंगे। आकृति नंबर एक, ये देखिए कंडीशन, छह कंडीशन है। पहली कंडीशन है, अगर वस्तु को अनंत में रखा जाए, ध्यान रखना वस्तु को अनंत में रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य नाभि, या देखिए F2 मुख्य नाभि पर बनेगा, अत्यंत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। बस इतनी बात याद रखिए, आपका क्वेश्चन दो नंबर का कन्फर्म। फिर देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे बी में, यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी गई है, वस्तु रखी गई है 2F2 के परे, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाहर। अगर कोई वस्तु 2F2 के बाहर रखी जाएगी तो बनने वाला प्रतिबिंब F2 2F1 के परे, ठीक है, तो बनने वाला प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर तीन देखेंगे, तीन में आपको ये बताया गया है, अगर वस्तु को 2F1 पर रखा जाए, 2F1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, उल्टा बनेगा, समान ऊंचाई का बनेगा और वास्तविक बनेगा। फिगर नंबर फोर, अगर वस्तु को 2F1 और 2F2 के बीच में रखा जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब 2F2 के बाहर बनेगा, माने परे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब फिगर नंबर फाइव देखेंगे। फिगर नंबर फाइव क्या है कि अगर वस्तु को F1 पर रखा जाए, वस्तु को F1 पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, अनंत में बनेगा, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लास्ट फिगर है, अगर वस्तु को ऑप्टिकल पॉइंट माने प्रकाश केंद्र और F1 के बीच में रखा जाए, मुख्य नाभि और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब, पहली बार ऐसा हुआ है, लेंस के सामने बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो आप इस फिगर को देख करके पहली बार फिगर बनाना सीख लें और जितनी बातें छह में बताई गई वो सीख लें। ये 100% आपके एग्ज़ाम में कुछ न कुछ नंबर दे के जाएगा ही। इतना आसान है, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें लेकर के।